वेलकम टू योर ओन चैनल जय माधव अकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय माधव अकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। दिस इज द न्यू टॉपिक टू क्लास 12th। एक नया टॉपिक क्या, और सबसे ज्यादा बच्चे इसी में परेशान रहते हैं, टेंस में। और हमें आदत नहीं है टेंस पढ़ाने की सच में, क्योंकि टेंस को ज्यादातर बच्चे समझते इंग्लिश है। का ही इंग्लिश है, पूरी इंग्लिश इसी में है। ऐसा नहीं है, पूरी इंग्लिश इसमें नहीं है। बच्चों को लगता है चार सेंटेंस का ट्रांसलेट बनाने में अगर वो सक्षम हो जाते हैं तो उनको इंग्लिश समझ में आने लगी, इंग्लिश ठीक है। तो थोड़ा सा भ्रम दूर करेंगे और कुछ चीज़ें बताएंगे। टेंस आपकी किताब में भी लिखें, हिंदी इंग्लिश मिक्सअप लैंग्वेज में लिखें, लेकिन फिर भी व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू योर सेल्फ डोंट ट्राई टू मेक सेंटेंसेस इन योर ओन लैंग्वेज। You just translate the sentences you find in the book. किताबों में जो sentence लिखे, 15 से 20 exercise में sentence दिए, 25 दे दिए, उसी को translate कर लिया, उसके बाद सोचा हमें आ गई। And at the time of examination, we fail to translate, we fail to answer, we fail even to understand what does the question say to us. करण कुशवाहा, that's a thing. English is very easy, but हम लोगों ने उसको हवा बना रखा। क्या बना रखा? हवा। ऐसा है नहीं। कॉन्सेप्चुअली इफ यू अंडरस्टैंड यू कैन, और जब तक आप फैक्चुअली आप समझते रहेंगे, सेंटेंस का ट्रांसलेट कर लिया तो नहीं समझ पाएंगे। सो सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करना बेटा, बिल्कुल। वेरी गुड आफ्टरनून शुभम, शिवानी साहू, सलोनी पाल, अंशुमन शुक्ला, गरिमा, खोबीराम जी, नीरज वर्मा, ठीक है। इसमें बच्चे 12th में पता नहीं क्यों कहाँ चले जाते हैं, भाग गए हैं, कहाँ हैं कहाँ नहीं है। हाँ, मतलब आते ही नहीं है। स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को टेंस से। टेंस आपके सामने लिखा है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उससे पहले कुछ चीजें बता दें, हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है दो दिन में प्रेजेंट टेंस खत्म कर देना। उससे पहले हम यहां पर, चलिए हम कुछ व्यवस्था करते हैं आपको समझाने की। भाई रूल वूल तो सब बुक में लिखे हुए हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब ये क्या है, इसको आप लोग एक ही समझते, इकलौते शायद हम ही होंगे जो हम इस बात से कन्वे, हम इस बात को जो है नहीं मानते कि ये सेम हो सकता है। और मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाया आज तक में। सिंपल का मतलब साधारण होता है बेटा। यदि आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसके टॉपिक को समझ लीजिए। और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अभी किताबों में क्यों लिखा है कि जो सेंटेंस अनिश्चित है वो साधारण होते हैं, जो साधारण है वो अनिश्चित होते हैं। व्हाई डू वी कॉल इट सिंपल प्रेजेंट एंड व्हाई डू वी कॉल इट एज अनदर नेम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं और सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं, किताबों में आज तक रीजन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए बिल्कुल। ये क्लास 3 डेज होती है बेटा, ठीक है। चलिए हम इसको समझते हैं। सिंपल का मतलब साधारण और इंडेफिनिट का मतलब क्या है। तो मीनिंग क्या है बेटा, मीनिंग क्या है इंडेफिनिट की, अगर आप समझते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। तो पहले मीनिंग, मीनिंग हमने क्या लिख दिया, हाँ मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट, समझते हो, थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है बेटा अनिश्चित, मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई, नोट कर लेना, सीमा ना हो, जिसके बारे में कुछ पता ना हो, बारे में कुछ पता ना हो। इसका मतलब ये टेंस को अनिश्चित क्यों कहा गया, अनिश्चित ऐसे इस तरह के सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है। हम यहाँ इंडेफिनिट को समझा रहे हैं। अगर आप इंडेफिनिट समझ लेंगे तो पास्ट और सिंपल और प्रेजेंट दोनों समझ लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट क्या है, ठीक है। तो अब आप समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडेफिनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो सेंटेंस आएंगे, इसमें जो वाक्य आएंगे, इस टेंस में जो वाक्य आते हैं
उनके समाप्त होने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है, इसीलिए इसे इंडेफिनिट कहा जाता। अब समझे इंडेफिनिट से क्यों कहते हैं बेटा? चलो डेली चलेगा नहीं बेटा, थ्री डेज चलता है। हाँ ये आपको बता दें, इलेवेंथ ट्वेल्थ अलग अलग ग्रामर पढ़ा रहे, लेकिन ग्रामर तो एक ही है, लेकिन इलेवेंथ वालों के लिए भी अलग से ग्रामर लाएंगे, वही टॉपिक, ट्वेल्थ वालों के लिए भी वही टॉपिक लाएंगे, तो आप इस हिसाब से दो बार क्लास ले सकती हैं ग्रामर की। ठीक है, बताइए इनफाइनाइट, बिल्कुल कह सकते हैं, इसे इनफाइनाइट कहते हैं बेटा, इसी को हम इनफाइनाइट कहते हैं, अनलिमिटेड कह सकते हैं। ठीक, अब इसमें ऐसे सेंटेंस जो अनलिमिटेड है इनफाइनाइट है, चलिए हम ऐड करेंगे। अब यहां पर देख लीजिए इसका जो, पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि स्ट्रक्चर में हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर V1 या V5 या ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। ये स्ट्रक्चर था जो आपकी बुक में भी है, आपको पता है केस फॉर सब्जेक्ट होता है, V1 बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, जैसे गो लिखा है, ईट है, ड्रिंक है, राइट है। उसके बाद V5 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगा देते हैं, एस और ई एस कहां लगा देते हैं, ठीक समझ गए, ठीक हाँ, एस और ई एस लगा देते हैं, गोज है, ईट्स है, ड्रिंक्स है, राइट्स है, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट और सी फॉर कॉम्प्लीमेंट होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर था, अगर आपने लिखना हो तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगर आप सिंपल प्रेजेंट, चलिए यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, चलिए सबसे पहले बात करेंगे। हाँ अब हमें याद, हमें लिखना नहीं है, अब आप ध्यान से पढ़ लीजिए, टू एक्सप्रेस द परमानेंट एक्शन। अब आपको बताएं, अब आपको बताना है कि इनडेफिनिट क्यों रखा गया नाम, नंबर एक रीजन, नंबर वन है कि इसमें जो सबसे पहला एक्शन आएगा वो परमानेंट एक्शन आएगा। परमानेंट एक्शन को हम कहते हैं स्थायी कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति। स्थायी कार्य व्यापार क्या होता है बेटा? कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। अब परमानेंट होंगे तो इसका मतलब उसकी कोई निश्चित सीमा है, जब वो एंड हो, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो ये इसकी एक सीमा है, एक घंटे के बाद एक क्लास ओवर होगी, इसकी सीमा है कि एक घंटा या 40 मिनट 45 मिनट के बाद क्लास खत्म होगी। लेकिन अगर हमसे पूछे कि क्या करते हो, क्या हो, तो आप कहेंगे मैं पढ़ाता हूं, मतलब हम कहेंगे अब मैं पढ़ाता हूं, तो आप उससे, वो हमसे पूछेगा सामने वाला कि कब तक पढ़ाते हो, कब तक पढ़ाते हो, इज देयर एनी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नहीं होगा। तो ये परमानेंट एक्शन हो सकता है जो आप अपने डेली रूटीन में करते हैं। नंबर एक, परमानेंट एक्शन का मतलब स्थायी कार्य व्यापार, जो स्थायी होंगे, स्थायी का मतलब परमानेंट होता है, परमानेंट का मतलब बिल्कुल बेटा, इसकी हाँ, इसके बेटा इसके नोट्स असाइनमेंट और इसको डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बैच भी चल रहा है यहां पर, तो हाँ ठीक है, जितना हम अपने हिसाब से समझा सकते हैं। श्वेता सिंह बेटा, अगर आप टेंस पर ध्यान देंगी तभी आप वॉइस समझ पाएंगे, तो पहले आप इस पर, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। परमानेंट एक्शन, अब जैसे संजय कम्स फ्रॉम रांची, अब ये परमानेंट एक्शन कैसे पता चलेगा? परमानेंट एक्शन, जैसे हमसे पूछा तुम कहां से हो, तो हम क्या कहेंगे, मैं इलाहाबाद से हूं, तो मैं इलाहाबाद से हूं, एक्चुअल में मैं इलाहाबाद में रहता हूं। अगर हमसे पूछा जाए तुम कहां से हो, तो हमने कहा मैं इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज से हूं। अब इस सेंटेंस का आप क्या मतलब निकालेंगे, ध्यान से इसका सेंटेंस आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आई बिलोंग टू प्रयाग, प्रयाग राज। आप ये भी कह सकते हैं आई कम फ्रॉम प्रयाग। आप बताओ बेटा यहां पर कम क्यों लगाया, आई कम फ्रॉम, मैं प्रयागराज से आता हूं, मैं रोज आता हूं, नहीं, एक्चुअल में यहां पर कह रहा है कि मैं प्रयागराज से हूं, आई कम फ्रॉम प्रयागराज, मतलब
आपने कभी एक सेंटेंस सुना होगा, आप कहां से आए हैं, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहां से आ रहे हैं। तो आप कहां से आ रहे हैं, आप कहां से आए हैं और आप कहां से आते हैं, इन तीनों सेंटेंस में फंडामेंटल फर्क यह है कि जब आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहां से आ रहे हैं तो वो कंटीन्यूअस एक्शन पूछा जा रहा है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहां से आ रहे हैं उस टाइम पर जहां आप उस टाइम आए, आप कहां से आए हैं तो आप आ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए आपसे पूछा गया आप कहां से आए हैं। लेकिन आप कहां से आते हैं, जनरली आप जहां से परमानेंट रहते होंगे आप हमेशा वही बताएंगे, तो ये परमानेंट एक्शन को शो करेगा कि आपसे पूछा जाए कि आप कहां से आते हैं, मतलब आप बिलोंग कहां से कर रहे हैं, तो आप एक परमानेंट स्थान पर रहते हैं, और इसी तरह के एक्शन को हम परमानेंट एक्शन कहते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल बेटा, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो बेटा ले लो, ठीक ले ली, अच्छी बात है। फिर इंडिपेंडेंस डे फॉल्स ऑन, अब ये परमानेंट एक्शन में देखो दूसरा एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल समझ लोगे तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड मच बेटर। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है, क्या ये बदल सकता है, कैन इट बी चेंज्ड और कैन बी चेंज सच परमानेंट एक्शन। अगर आप अभी रायबरेली में है, आप लखनऊ में है, कानपुर में है, बनारस में है, आप कहीं से भी बिलोंग कर रहे होंगे, तो आप क्या पर डे चेंज करते हैं अपने प्लेस को, ये परमानेंट एक्शन। अब आप उसे इंडिफिनिट में बोलते हैं, आप इंडिफिनिट नहीं बोलते, आप अपनी भाषा बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बाद में डिवाइड कर दिया गया कि इस तरह के एक्शन को इंडिफिनिट बोलेंगे, इस तरह के एक्शन को कंटीन्यूअस बोलेंगे, इस तरह के एक्शन को परफेक्ट बोलेंगे, इसके अपने अपने मीनिंग है। अब क्योंकि आप पर डे रहते हैं तो पर डे कोई काम हो रहा है या रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो उसे ही हमने परमानेंट वर्ड दिया इंग्लिश में, एंड द परमानेंट एक्शन इज पुट इन इंडिफिनिट टेंस, चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडिफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडिफिनिट हो, उसमें इंडिफिनिट में लग दिया गया परमानेंट एक्शन। समझ में आया, श्रेया सिंह लिखकर पढ़ाएं, चलो ठीक है, अच्छी बात है बेटा, कल से हम इस बार को ध्यान देंगे, पीपीटी हटा देंगे, ठीक है, हम लिख के पढ़ा देंगे, ठीक। चलिए आगे देखें, अगर दूसरा एक्सप्रेस द रूटीन एक्शन, रूटीन मतलब हो गया क्या, नियमित कार्य व्यापार, नियमित कार्य व्यापार समझते हैं, जो काम नियमित रूप से हो, परमानेंट एक्शन वो स्थाई है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। अब ये जो नियमित एक्शन है ये रूटीन, रूटीन का मतलब हो गया, अब ध्यान से समझो रूटीन का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे एक्शन जो टाइम से रिलेट करें, ऐसे एक्शन जो टाइम से रिलेट करें। अब देखो दोनों सेंटेंस में टाइम आ गया, माय फादर गोज टू ऑफिस एट 9 AM एंड आई कंटिन्यू माय स्टडी फॉर 3 आवर्स, टाइम रिलेट जहां पर हो जाए और वो काम बार बार हो, रिपीटेडली हो, इंडेफिनिट में उसे लिखेंगे। पहला परमानेंट एक्शन जहां से आप बिलोंग कर रहे हैं, कहीं पर कोई चीज है, जैसे सर्दी के बाद गर्मी या गर्मी के बाद सर्दी आती है, सुबह के बाद शाम होती है, ये परमानेंट एक्शन है, ये कभी भी नहीं बदल सकता, हालांकि सुबह के बाद शाम होती है, दिस इज अ नेचुरल एक्शन ऑल्सो, बट ये तो परमानेंट हो सकता है ना। हाँ, सीन शॉट ले लेना, दूसरा ले लो बेटा, अच्छा ले लो ले लो बेटा ले लो बेटा ले लो ले लो ले ली, इसको लिया, चल। अब यहां पर देखो रूटीन एक्शन क्या है, हम कल से बेटा ठीक है, हम कल से उसे पढ़ा देंगे, डोंट वरी, हम समझते हैं, हाँ हम समझते हैं कि बच्चों को लिखा हुआ हम पढ़ा लेते हैं बेटा थोड़ा सा, है ना, अगर आपको लगता है तो ठीक है, हम लिख के पढ़ा देंगे, कल से हम देखते हैं। माय फादर गोज टू ऑफिस एट 9 AM, अब ये 9 AM है, ये रूटीन एक्शन, रूटीन और एक्शन में और हैबिचुअल एक्शन में आप समझते हैं फर्क है बेटा, आपने सुना होगा हैबिचुअल एक्शन को डिनोट किया जाता है, हैबिचुअल एक्शन और रूटीन एक्शन दोनों में क्या फर्क है, दोनों में एक फंडामेंटल फर्क है, हैबिट ये नो टाइम, इसमें टाइम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट टाइम यहां पर टाइम का इंपॉर्टेंस है, यहां पर टाइम का इंपॉर्टेंस नहीं है। रिपीट कर दे, डू यू लव मी का मतलब, सर डू यू लव मी का मतलब नहीं पता, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, यही होता है बेटा है, हाँ चलो। तो ये हो गया रूटीन एक्शन बेटा, रूटीन एक्शन का मतलब ऐसे एक्शन जहां पर टाइम हो जाए। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं, इसमें लिखा है माय फादर गोज टू ऑफिस एट 9 PM, अब आप इस इंडिफिनिट से इंग्लिश सीख सकते हैं, इंडिफिनिट से अगर आप अपने वहम को दूर कर सकते हैं, आपके अंदर एक आदत हो सकती है, जैसे कोई लड़की है
वो हंसती बहुत है और वो चिल्लाती बहुत है या पापा डांटते बहुत है। तो ये आदत है कि रूटीन है, आप फर्क पता चल जाएगा आपको। कोई भी व्यक्ति डांटेगा आपको तो क्या टाइम देखेगा 9 बजे डांटो 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 नहीं करेगा। कोई हंसती है तो क्या वो टाइम देखकर 6 बज गए हा 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 हंसने लगेगी? टाइम नहीं है वहां पर। अगर वो टाइम नहीं है तो इसका मतलब वो हैबिट है उसकी। ध्यान देने वाली बात है कि अगर वहां पर टाइम इंडिकेट नहीं है तो वो हैबिट है। तो परमानेंट एक्शन को पहले आप ट्रांसलेट कर लीजिए, दूसरे एक्शन आपके रूटीन एक्शन हो जाएंगे। बेटा हम वहां ताती थे, ध्यान दे, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि हम कह क्या रहे हैं क्योंकि हमने इंडिफिनिट टेंस को अलग तरीके से शुरू कर दिया। आप सोच रहे होंगे वो ता कहां गया, रमेश खाता है, सीता सिलती है, अब्दुल बाजार जाता है, वो ता वाला हम काम नहीं कर सकते। हाँ हाँ ठीक है ठीक। ठीक चलिए। तो यहां पर टाइम आपको समझ में आया, आई कंटिन्यू माय स्टडी, मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखता हूं 3 घंटों तक, ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। और साथ में यहां पर 9 AM लिखा है, मेरे पिताजी सुबह 9 बजे ऑफिस जाते, तो रोज 9 बजे ही जाएंगे, ऐसा नहीं दूसरे दिन 10 बजे, तीसरे दिन 11 बजे, फिर 12 बजे, 1 बजे, तो टाइम वेरिएशन नहीं है। टाइम लगभग लगभग वही आपका पर डे काम होगा। आप सुबह 6 बजे उठते हैं, 7 बजे नाश्ता करते हैं, 7:30 बजे स्कूल जाते हैं, 8 बजे पहला पीरियड लगता है, 1 बजे घर वापस आते हैं, 2 बजे घर में खाना खाते हैं, 4 बजे आप सो के उठते हैं, 5 बजे आप खेलने जाते हैं, शाम के 7 बजे आप मार खाते हैं, 8 बजे खाना खाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं। दिस इज द डेली रूटीन। अगर आप चाहेंगे इस तरह से 50 सेंटेंस लिख करके आप अपने इंग्लिश को बहुत हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। ये मेरा एक छोटा सा आपसे रिकमेंडेशन है। हाँ सर, आई अंडरस्टूड योर फीलिंग्स। मेरी फीलिंग तो बेटा कोई वो नहीं समझा, अब तुम मतलब बता रहे। कोई बात नहीं बेटा, फॉर्मूला रिपीट कर दें। अनुष्का श्रीवास्तव, भाई आपने फिर साहिल सर साहिल नहीं बेटा नाम, हम क्या बताएं अपने नाम को लेकर, क्यों नाम नहीं तुम लोग सही लिखते हो, जीवन हो गया, हमको इतने बड़े हो गए, पहली बार में कोई व्यक्ति सही नाम नहीं लिख पाया, बड़ा अफसोस है बेटा। नाम फिर हम बता दे रहे हैं, SHI और R है लास्ट में बेटा, ये नाम है मेरा, ये साहिल नाम नहीं है। ठीक है चलिए, खेलता है ट्रांसलेशन बता दें, कौन खेलता है, का खेलता है, किससे खेलता है, ये बताओ बेटा। चलो आगे देखें, अगर हम एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, अब आगे हैबिट की बात हो गई, आदत को प्रकट करने वाले, आप लिखना चाहें या नोट करना चाहें। हाँ ठीक। चले गलत काशिप अंसारी, कोई उसके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है। जी चलो चल, यहां पर देख लो बेटा, रिपीट हो गया है, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, अभी थोड़ा सा और कुछ बताना है। हैबिचुअल एक्शन में आदत प्रकट करने वाले जो अभिव्यक्ति वाले सेंटेंस होंगे उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखेंगे। यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। आदत आपके पास्ट में भी हो सकती है, रूटीन एक्शन आपके पास्ट में भी हो सकते हैं, ठीक है। आप परमानेंट एक्शन पास्ट में हो सकते थे, परमानेंट एक्शन पास्ट में हो सकते हैं, वो हैबिचुअल एक्शन माने जाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात है बेटा कि जब आपके हैबिचुअल एक्शन आएंगे तो हैबिचुअल एक्शन अभी हम आपको एक शॉर्ट तरीका बताएंगे, पहले हम कुछ रूल है आप इसे लिख लीजिए। आदत कार व्यापार की अभिव्यक्ति सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार के वाक्यों में एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको नोट कर लीजिएगा, जब आदत को शो करने वाले वाक्य लिखे जाएंगे तो वहां पर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे, का प्रयोग होता है, जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, नेवर, सेल्डम, जनरली, रेगुलरली, यूजली, रेयरली एंड नॉर्मली। अब इसके मतलब लगभग लगभग एक ही है, मतलब का मतलब ये कि ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑफन मतलब ज्यादातर, अधिकतर, समटाइम्स कभी कभी, नेवर का मतलब कभी नहीं, सेल्डम मतलब कभी कभार, जनरली मतलब सामान्यतया, रेगुलरली मतलब लगातार, यूजली मतलब साधारणतया, रेयरली मतलब कभी कभार, नॉर्मली मतलब सामान्यतया। तो एक आध दो वर्ड के सेम मीनिंग है, लगभग उसके अलावा जितने भी शब्द आप प्रयोग करेंगे आप वहां पर यूज कर सकते हैं। दे रेयरली टेल अ लाई। अब यहां पर एक रूल बताने वाली सी बात है कि जब आपके आदत शो करने वाले
कोई भी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके सेंटेंस में आए और वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव रहे, क्या रहे, अफर्मेटिव रहे, अफर्मेटिव पॉजिटिव जिसे कहते हैं, तो उसका प्रयोग जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा। ये सब्जेक्ट लिखा है और उसके तुरंत बाद यहां पर उसका प्रयोग होगा। और अगर वो निगेटिव हो जाए, यदि निगेटिव हो जाए तो डू या डज प्लस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये लिखा जाएगा। ठीक, अगर निगेटिव हो रहा तो डू डज आएगा। ठीक, हाँ, नहीं तो बेटा वो हम सिंथेसिस में पढ़ाएंगे। अंशुमान शुक्ला क्यों नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि हमें अभी उस चीज को पढ़ाना है आपको सिंथेसिस पार्ट में। अगर उसको हम शुरू करेंगे तो सिंथेसिस शुरू करना पड़ेगा। अगर सिंपल सेंटेंस बनाना शुरू किया तो सिंपल सेंटेंस पूरा बताएं। तो हमने वहां पर आपको क्लेरिफाई किया सेंटेंस के पार्ट में, दोनों में हमने सेंटेंस के ऊपर बताया। तो जो हमारा पहले सेंटेंस पढ़ेंगे हम इंडिफिनिट पढ़ते हैं, जैसे हम टेंस पढ़ते हैं तो हम इंडिफिनिट में उसी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, ना कि हम सिंपल सेंटेंस कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। ये इस वजह से सर आज आपकी कौन सी क्लास है ग्रामर की, ये टेंस के ऊपर है बेटा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लो। यहां पर नॉट, हाँ, डू नॉट के बाद हमने नॉट नहीं लगाया, शायद नॉट लगाकर तब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा जाएगा। चले, अब एक्सप्रेस यूनिवर्सल या जनरल ट्रुथ है या प्रिंसिपल, जो चितरंजन, जो चितरंतन सत्य होते हैं या सामान्य सत्य होते हैं, सिद्धांत की अभिव्यक्ति। अब सामान्य सत्य और नेचुरल एक्शंस क्या है बेटा? हाँ, क्योंकि ये लिखा हुआ है शायद इसीलिए पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा होगा शायद आई एम नॉट गिविंग माई बेस्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना कल से कोशिश करेंगे हम लिख के पढ़ाते। हाँ, चिरंतन, पता नहीं क्या लिखा है, चिरंतन सत्य, सामान्य सत्य या सिद्धांत। अब कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो आपके सामान्य सत्य हो सकते हैं। सामान्य सत्य का मतलब ये जो कि सार्वभौमिक रूप से उसे एक्सेप्ट की करते हो, मतलब पूरी दुनिया उसे एक समान रूप से, हाँ, जी बिल्कुल आनंद, आनंद बिल्कुल आज से स्टार्ट किया है, एक दो वीडियो और हैं ग्रामर की, इससे पहले आप देख लीजिएगा। हाँ हाँ, ये ऑलवेज प्रेजेंट में होता है। नहीं बेटा, ऑलवेज का प्रयोग हम पास्ट में भी करते हैं। ठीक है, ये जितने भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी थे बेटा, ये हैबिचुअल एक्शन थे। तो हैबिचुअल एक्शन जो पास्ट में भी तो होते हैं ना, मैं यहां आता था, मैं यहां हमेशा आता था, तो पास्ट में प्रेजेंट में ही लिखते हैं, हम इंडिफिनिट बता रहे हैं। ठीक है, किनका इंग्लिश? इंडिफरेंट की स्पेलिंग बेटा प्रांजल श्रीवास्तव थोड़ा सा गलत है। हाँ सर, इसका यूज प्रेजेंट इंडिफरेंट में कैसे करेंगे? सर फास्ट प्लीज। ठीक है, आगे देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आप जनरली समझते हैं कि जो सार्वभौमिक सत्य है, अब सन पूरब से ही उगता है, तो अब इसमें कोई इफ एंड बट की वाली बात नहीं, ये यूनिवर्सल फैक्ट हो सकता है। यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब सामान्यतः सत्य हो गया, जनरल ट्रुथ हो गया, ये नेचुरल एक्ट हो गया, नेचुरल फैक्ट हो गया, ये फेलर्स आर द पिलर्स ऑफ सोसाइटी। अब यहां पर लिखा है फेलर्स आर, यहां पर आर लिखा है, और ये सिंपल प्रेजेंट का एग्जांपल दिया हुआ है बेटा, और सिंपल प्रेजेंट थोड़ा सा मेरे ख्याल से, जैसा कि हम समझते हैं कि प्रेजेंट इंडिफरेंट से अलग होना चाहिए, लेकिन पता नहीं अंग्रेज कौन दिमाग के, कौन बुद्धि के हैं, या बड़े बड़े अंग्रेजी वाले, कि इसको आज डिफाइन क्यों नहीं किया, प्रेजेंट इंडिफिनिट और सिंपल प्रेजेंट अलग अलग क्यों नहीं हो सकता? जहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं, समझ में आता है, मतलब उसमें कोई एक्शन ही नहीं, एक्शन कैसे सिंपल हो सकता है? किस तरह के एक्शन को हम सिंपल माने? बस खा रहा है और वह खाता है में, जैसे हमने कहा कि सिंपल प्रेजेंट को ही प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को सिंपल प्रेजेंट क्यों नहीं कहा जाता? ये मेरा क्वेश्चन है आप सबसे है। अगर आप अपने अपने टीचर्स ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप उनसे पता कर पाए, तो ऑफ कोर्स यू शुड आस्क, बिकॉज आई हैव अ कंफ्यूजन। आज तक हमें इस बात का आंसर नहीं मिला कि सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडिफिनिट कह सकते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं कह सकते? वह खा रहा है और वह खाता है में क्या फर्क आ रहा है?
कोई क्या मतलब वे ऑफ स्पीकिंग अलग हो जाता है, समझ में नहीं आता। ठीक, ये लिख लें बेटा। हाँ बेटा, ये भी पास्ट इंडिफिनिट का, श्रेया सिंह 1526 को पानीपत का युद्ध लड़ा गया इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में मेरे ख्याल से, और ये सही है कि द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट ऑफ 1523। हिस्टोरिकल इवेंट है एंड द हिस्टोरिकल इवेंट इज रिटन इन द पास्ट। हिस्टोरिकल इवेंट कैन नॉट बी रिटन इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में हिस्टोरिकल इवेंट हो नहीं सकती, बिकॉज द हिस्ट्री टेल्स अबाउट द पास्ट। हिस्ट्री पास्ट के बारे में बताती है, इट डज नॉट टेल अबाउट द प्रेजेंट। प्रेजेंट के बारे में थोड़ी बताएगी। जब तक कोई चीज प्रेजेंट है, इट कैन नॉट बी हिस्ट्री। वो हिस्ट्री नहीं हो सकता ना, ये भी तो समझो। हाँ ठीक है, चलो इसके बाद है एक्सप्रेस प्लांड फ्यूचर। कुछ प्लांड फ्यूचर्स होते हैं। प्लांड फ्यूचर का मतलब, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर टेंस को कई स्कूल्स कॉलेजेस में, यहाँ इलाहाबाद में क्या, कई जगह हमने सुना है कि फ्यूचर को वो टेंस नहीं माना जाता। रीजन उसके बहुत है। नंबर एक कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो मॉडल है, वो प्राइमरी ऑक्सिलरी नहीं है। जबकि प्रेजेंट और पास्ट में हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी जिसमें हम डू डज डिड इज एम आर वाज वर इनका प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट और पास्ट में जनरली हैव का यूज करते हैं, जबकि हमने फ्यूचर में विल और शैल एक अलग से यूज करा, और जो कि आपका एक मॉडल है। इस वजह से भी बहुत से लोग इसका रीजन देते हैं। तो जो फ्यूचर टेंस है उसमें जो प्लांड फ्यूचर है, प्लांड फ्यूचर क्या होता है बेटा, जैसे कि अगर हमने कहा कि मैं कल आऊंगा, अब ये प्लांड फ्यूचर है या आप इसे नियर फ्यूचर कह लीजिए। मैं कल आऊंगा, आप इसे लिखेंगे जनरली आई विल कम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू टेंस इट इज राइट, बिल्कुल सही है। बट According to sense, it is wrong. According to tense, according to grammar, it is right. But according to sense, it is wrong. Sense के according या भाव के अनुसार आप इसको नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे I come tomorrow. I come tomorrow. क्यों लिखोगे बेटा? क्योंकि बोला जाता है, आपने सुना होगा See you tomorrow. I see you tomorrow. I will see you tomorrow. कभी आपने सुना, आपने फिल्मों में बड़े बड़े लोग बोलते हैं अंग्रेजी I'll see you tomorrow बोला जाता है कोई I'll see you. आपने सुना? हर्ष साहू का सवाल है, सर इसमें जब सारे काम परमानेंट हो रहे हैं तो इसे इंडेफिनेट क्यों कहा जाता है? यहां इंडेफिनेट का मतलब समझते हो बेटा? समय से है। अगर आप समय समझ गए टेंस को समझ गए, अगर आप समय नहीं समझे टेंस नहीं समझ पाओगे बेटा। इनडेफिनेट, डेफिनेट क्या है बेटा? यहां टेंस का मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा, चलो एक चीज हम समझा देते हैं। टाइम एंड टेंस, ये समझते हो? ये दो अलग अलग चीजें हैं बेटा, मच डिफरेंट। ये बहुत ही अलग अलग चीजें हैं, आप नहीं समझते। जो टेंस होता है ना बेटा, ये क्रिया के रूप से संबंध होता है, रूप जो होता है क्रिया का, जो रूप होता है, ठीक है। और ये मीनिंग मतलब अर्थ से संबंधित होता है, ये इसका अर्थ से संबंधित होता है। टेंस जो टाइम होता है वो अर्थ बताता है, जो रूप है ये टेंस बताता है। और टेंस एक ग्रामेटिकली फैक्टर, एक ग्रामेटिकल फैक्टर है। टाइम ग्रामेटिकल फैक्टर नहीं, टाइम इज फ्री फ्रॉम ग्रामर, टेंस इज नॉट फ्री फ्रॉम ग्रामर, बिकॉज ईच एंड एवरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड हैज इट्स ओन ग्रामर। हर एक लैंग्वेज दुनिया में, कितनी भी लैंग्वेज है, हर एक लैंग्वेज में अपनी खुद की ग्रामर चल रही है, उसके अपने अपने रूल है। आपकी एक इंग्लिश ग्रामर से सारी दुनिया के रूल थोड़ी जो मैच करेंगे। आपके हिंदी ग्रामर में टेंस अलग तरीके से है, संस्कृत में अलग होगा, फ्रेंच लैंग्वेज में अलग होगा, और इंग्लिश में अलग ग्रामर चल रही है, रशियन लैंग्वेज में अलग चलेगी, अरबी जो उर्दू भाषा उसमें अलग चलती ग्रामर। ठीक, समझ रहे हो जी? आई होप दैट यू अंडरस्टूड। हाँ, तो यहां पर जो टेंस है ना उसको डिवाइड किया गया, उसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल देते हैं, आप उसी पे सोचना खूब, और टेंस को इस तरीके से पढ़ना, प्रैक्टिकली सोच के पढ़ना, समझ के पढ़ना, रटना नहीं बेटा। वह आज आएगा। अब आपसे पूछा जाए बेटा ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है ये, वह आज आएगा, लेट मी नो व्हिच टेंस इट इज, कौन सा टेंस है बेटा इसमें। श्रेया सिंह कह रही सर आप इंग्लिश कैसे सीखे? बेटा हम कहाँ सीखे, कहाँ बोलते हैं, तुम लोग के चक्कर में तो हिंदी बोलते हैं।
हम तो सीखे थे कभी, अब तो डायरेक्ट हिंदी बोलने लगे, सीखा है वो कुछ नहीं आता बेटा, पढ़ते रहो अपने आप, साल छह महीने में अपने आप आएगा, इसमें कंपेरिजन नहीं करना है कि हम बोल लेते हैं तो उम्र भी तो थोड़ी ज्यादा है, आप सिर्फ पढ़ते रहिए। भाषा जो है किसी नियम के अनुसार बांधी नहीं जाती कि कैसे सीखा जाए, है ना। बड़े बड़े ट्राउन जो है, बड़े बड़े एकेडमी वाले जो है इंग्लिश जो स्पोकन क्लासेस सिखाते हैं बहुत अच्छी, 8,000 रुपये 7999 में आपका एडमिशन हो जाएगा, 3 महीने में फर्राटेदार इंग्लिश, जीवन में कभी नहीं कोई सिखा सकता, हम गारंटी लेते हैं कोई नहीं सिखा सकता अंग्रेजी, वो आपका काम है सीखना। पैसा कमाते हैं बेटा ये कोचिंग वोचिंग वाले जो है इंग्लिश फर्राटेदार, हाँ एएमआर का यूज बता करके कहते हैं रटो बेटा रटो, अगर वही फ्री वाला टीचर बता दे उसका इंपॉर्टेंस नहीं लेना। सो गिव द इंपॉर्टेंस थिंग्स दैट यू हैव, दैट यू आर बीइंग प्रोवाइडेड टुडे। जी चलो बेटा, चलो बताओ सर मैं हाँ ही विल कम टुडे। हमने पूछा बेटा कोई नहीं, श्रेया सिंह बोलना भी आएगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, जिस दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस दिन बोलना भी आएगा, डोंट वरी बेटा। बेटा हमने कहा ही कम्स टुडे, अब यहां हमने पूछा कौन सा टेंस है, आप लोग ट्रांसलेशन करने लगे, आई एम नॉट आस्किंग फॉर द ट्रांसलेशन, आई नो द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो विच सेंटेंस इट इज, कि ये सेंटेंस कौन सा है। फ्यूचर टेंस, फतेह चंद कह रहे हैं फ्यूचर है, कुछ कह रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चलिए चलो। अब देखो बेटा यहां पर लिखा है गा, इससे बच्चे कंफ्यूज होंगे, फ्यूचर है ये, और यहां पर लिखा है आज, ये क्या है प्रेजेंट, आपके हिसाब से इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है और फ्यूचर इंडेफिनिट भी होगा। रीजन नंबर वन, टाइम प्रेजेंट का है और वर्ब फ्यूचर की है, वर्ब के फॉर्म फ्यूचर की है, जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो फ्यूचर है, हिंदी में भी फ्यूचर ही दिखा रहा है, आएगा अभी आया नहीं है। समय क्या दिया हुआ बेटा, आज, ये प्रेजेंट को दिखा रहा है, तो समय क्रिया के रूप से रिलेट नहीं करता, कैसे, एक एग्जांपल, वह आज, वह आज आया, अब बताओ बेटा कौन सा टेंस कौन सा टाइम, कौन सा टेंस कौन सा टाइम, आया बेटा यहां पर वर्ब सेकंड फॉर्म लगाओगे, पास्ट फॉर्म, वर्ब की पास्ट फॉर्म, टाइम कौन सा प्रेजेंट, क्या क्या टाइम का वर्ब से कोई रिलेशनशिप है, यहां पर भी प्रेजेंट और यहां पर भी प्रेजेंट, यहां पर फ्यूचर को बता रहा है यहां पर पास्ट को बता रहा है, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड टेंस, नहीं ना, हाँ तो टेंस को बेटा वो सीता गीता राम रहीम अब्दुल से नहीं पढ़ना है, टेंस को आप वो सेंटेंस बनाइए जो आप बोलते हैं, जिस दिन आप अपने बोले हुए सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, ट्राई टू ट्रांसलेट दो सेंटेंसेस दैट यू स्पीक डेली, जो आप बोलते हैं उस दिन आप टेंस भी सीखेंगे वॉइस भी सीखेंगे, क्योंकि आप फैक्चुअल स्टडी करते हैं, डोंट डू फैक्चुअल स्टडी, कंसेप्चुअल स्टडी करिए, समझ के पढ़ो बेटा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। राजपूत बने रहेंगे आप हमारे साथ तो हम आपको इतना जरूर मजबूर कर देंगे, आप सीखने में मजबूर हो जाएंगे, पूरी तरीके से हम आपको नहीं कह सकते क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए, लेकिन इतना जरूर है जो आप अभी पढ़ते नहीं है आप खुद से पढ़ेंगे और आप अपने आप से इंग्लिश सीख जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलो ये समझ के टाइम और टेंस के ऊपर हम क्यों वापस आए थे, तो यहां पर आपको क्या है, फ्यूचर प्लांड एक्शन कुछ होते हैं बेटा भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय योजना के अभिव्यक्ति के लिए, जैसे कुछ भविष्य में कुछ होने जा रहा है और अगर उसको प्लान कर लिया गया या कोई नियर फ्यूचर जिसके बारे में आपको पता है, इवन दो फ्यूचर इज नॉट नोन टू एनीबॉडी, फ्यूचर किसी भी व्यक्ति को नहीं पता होता है एक्सेप्ट गॉड, गॉड को तो पता है लेकिन फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं पता, बड़े बड़े ज्योतिष हो पैगंबर हो फ्यूचर वो जान सकते हैं, बता नहीं सकते, उनको अथॉरिटी नहीं है, वो अगर जान भी जाएंगे तो बता नहीं सकते, क्योंकि अगर वो बताने लगेंगे तो भगवान तो वही हो जाएंगे। अब बड़े बड़े प्रॉफिट आते हैं दुनिया में, है ना,
तो जितने भी गॉडेस और गॉड्स आते रहे वो एक सुप्रीम पावर से सब नीचे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर भविष्य सबको सबको पता चल जाएगा तो एवरीबॉडी इज टू बी कंसिडर्ड एज गॉड, हर एक व्यक्ति को जो है गॉड कहा जाएगा। हाँ, फाइनली कौन सा टेंस था बेटा? पास्ट इंडेफिनिट का टेंस था। देखो ना बेटा, हमने फाइनली बताया ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस था, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस था, लेकिन टाइम दोनों में सेम था, आज प्रेजेंट का। तो टेंस का मतलब वर्ब से, वर्ब की क्रिया से है। यहां पर आया शब्द ये वर्ब की क्रिया है सेकंड फॉर्म, और यहां पर आएगा शब्द ये वर्ब की क्रिया है फर्स्ट फॉर्म, और वो फ्यूचर में। तो वर्ब की क्रिया का टाइम से कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। एक बार पढ़िए, रोके दो मेरे जनादे को, मुझ में जान रही है आगे से लिफ्ट ले लेता है शराब की दुकान आ रही। वाह, तालियां, म्यूजिक वो आता ना कॉमेडी वाला, एक से बढ़कर एक, गजब है। चलो, तो यहां पर ठीक ये हम समझा रहे थे। तो प्लांट फ्यूचर टाइम में बनाने वाले एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग होगा। जैसे अब जब प्लांट फ्यूचर होंगे तो प्लांट फ्यूचर का मतलब हो गया आपको टाइम इंडिकेट करना पड़ेगा। अब कहे कोई मैं जल्दी आऊंगा, आप वहां भी कह सकते हैं, लेकिन जल्दी शब्द आना चाहिए, आई कम सून। अब यहां पर देखिए कुछ वर्ड है, टुमोरो, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ और ईयर। अगर इनमें से कोई एक शब्द दिया हो या कोई एक ऐसा शब्द जिसमें टाइम इंडिकेट आ रहा है वो फ्यूचर के टाइम को इंडिकेट करे, टुमोरो का मतलब आने वाला कल, नेक्स्ट डे का मतलब आने वाला दिन, वीक का मतलब आने वाला हफ्ता, और नेक्स्ट मंथ का मतलब आने वाला महीना, और नेक्स्ट ईयर का मतलब आने वाला साल। तो इसका यह मतलब निकल के आता है कि कोई चीज है जो ऑलरेडी फिक्स कर दी गई है किसी पर्टिकुलर डेट पर। अगर किसी पर्टिकुलर डेट पर कोई चीज फिक्स कर दी गई, इट मींस इट इज प्लान्ड और इट इज नियर, या तो वो प्लान्ड है या तो वो नियर है। समझ में आया, समझे ठीक। तो अब यहां पर देखें, उसी को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिख सकते हैं। आप लिखने के लिए फ्री हैं, यू आर फ्री टू राइट फ्यूचर, आप फ्यूचर टेंस को लिखने के लिए फ्री हैं, बट इट इज बेटर यूज प्रेजेंट इंडिफिनिट देयर। वहां पर बेटर ये है कि आप प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करें। एंड व्हाई इट इज बेटर, क्यों बेटर है वहां पर लिखना? क्योंकि फ्यूचर इंडिफिनिट में लिखने पर थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा होगा, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखने पर सेंटेंस को छोटा करके लिखा जा सकता है। आई विल गेट मैरिड और आई गेट्स मैरिड, which one is longer, which one is shorter? Let me know. She will get married and she gets married. Which one is shorter and which one is longer? कौन सा लंबा है, कौन सा shorter? बताओ बेटा। गुड इवनिंग एचपी के हेल्पर वाला, इतना बहुत सा गुड इवनिंग, बताओ बेटा। बेटा गरिमा क्रिएशन, क्या टाइम टेबल से क्या पता कर सकते हैं, कोई बताए? प्रेजेंट वाला शॉर्ट है ना। चलो, दीपांकर मौर्य, बेटा जब हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, थंबनेल पर लिखा होता है। फिलहाल अभी 10-15 दिन ग्रामर की क्लास चलेगी, तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लिटरेचर हम ऑलरेडी 6 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, ठीक है। सेकंड वाला है ना, दिस इज द रीजन। तो अगर आप प्रेजेंट का यूज कर रहे हैं तो वो छोटा सा हो जाएगा, और फ्यूचर का करेंगे तो बड़ा होगा, एक ये भी है, ठीक है। और दूसरी चीज ये, फ्यूचर कोई टेंस नहीं हो सकता क्योंकि टेंस का मतलब क्रिया के रूप से है, तो क्रिया का रूप फ्यूचर में। तो टाइम फिर क्या है, आगे वाला टाइम को किसी के बारे में पता ही नहीं है, नेक्स्ट मंथ आएगा कि दुनिया तबाह हो जाएगी, हाउ कैन बी कंफर्म? और इसमें जो हेल्पिंग और यूज हो रही है फिर वो मॉडल है। तो तीन फंडामेंटल रीजन है फ्यूचर को प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखने का, तीन फंडामेंटल रीजन। पहली चीज, सेंटेंस भी छोटा होगा। दूसरी चीज कि वो एक टेंस माना इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि उसमें एक हेल्पिंग वर्ब जो आ रही है वो एक मॉडल है। समझ में आ रहा है? हाँ नहीं बेटा, इससे पहले दो क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं, सेंटेंस इट्स अ काइंड के ऊपर, दिस इज अ टेंस, ये टेंस के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक। चलिए, टाइम एंड टेंस ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब एक एक्सेप्शन केस है, ये आपको आप यूज नहीं कर सकते,
ना आप यूज कर पाएंगे और आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शन केस क्या है, ये कन्वर्सेशनल है। अब हमने भी आप किसी ने श्रेया सिंह ने पूछा था, आई थिंक किसी लड़की ने पूछा था कि सर हिस्टोरिकल इवेंट्स को, पानीपत वाला जो सेंटेंस दिखा था, द पानीपत वॉर वॉज फॉट इन 1526, आई थिंक यही कुछ सेंटेंस था, है ना? ठीक है। अब अगर हम बात करें, यहां पर लिखा है टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल इवेंट्स और फैक्ट्स, ऐतिहासिक घटनाओं और तथ्यों की अभिव्यक्ति के लिए भी, ऐसे वाक्यों से ऐतिहासिक वर्तमान हिस्टोरी जो हिस्टोरिकल प्रेजेंट है उसका बोध होता है, इसलिए इनमें पास्ट टाइम का व्यक्त का भाव व्यक्त होता है। जैसे जैसे अब हम यहां पर क्या लिखें कि अब ये सेंटेंस आपके सामने अगर ग्राम कहीं पर किसी कंपटीशन में आ जाए कि महात्मा गांधी डाइज इन 1948, तो ऑफकोर्स एवरीबडी विल से सर दिस इज रॉन्ग, ऑफकोर्स इट सीम्स टू बी रॉन्ग, लेकिन ये प्रैक्टिकली सेंटेंस कैसे सही माना जा सकता है वो देख लो। बट अच्छे चैप्टर पढ़ाए आपकी फ्लेमिंगो बुक से दो, फ्लेमिंगो में जो पोएट्री सेक्शन उसमें से दो, और विस्टर्स बुक से भी दो चैप्टर पढ़ा दिए, यू कैन वॉच दैट। अभी होगा जब बहुत सी चीजें हम लोग चैप्टर खत्म कर लेंगे, फिर मिक्सअप करके लाएंगे नेक्स्ट मंथ में एकदम धड़ल्ले से, डोंट वरी। अब यहां पर देखो क्या लिखा है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं या हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। अब आपने कभी सुना है कि ऐतिहासिक चीजों को हम प्रेजेंट में व्यक्त करें, चूंकि ये भाषा है और भाषा अपने भावों पर डिपेंड करती है। अब हम आपको बताते हैं कहां पर आपको ऐसा सुनने को मिलेगा कि जहां आप इवेंट तो पास्ट की बता रहे हो लेकिन टेंस आप वहां पर प्रेजेंट का यूज करते हैं। आपने कहानियां सुनी है, आप कहानियां जब सुनते होते हैं तो आपके पिता या दादी दादा, आपने देखा होगा कि आप उनके मुंह से कुछ सेंटेंस ऐसे निकलते हैं, फिर वो मिलने आते हैं हमसे और जो है वो हमसे कहते हैं कि अच्छा नहीं होगा। देखो दादा कहानी बता रहे हैं, उसके बीच के सेंटेंस उन्होंने हमको धमकी दी और बोले कि अच्छा नहीं होगा, और हम वहाँ जाने लगते हैं, लेकिन जब हम जाने की सोचते हैं वहाँ तो हमारी मम्मी हमको मना कर देती हैं। अब जरा सेंटेंस पर ध्यान दे रहे हैं बेटा, सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, प्रेजेंट में बोला जा रहा है, कहानी पास्ट की बताई जा रही। ऐसी सिचुएशन में आप ऐतिहासिक घटनाओं को भी प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, और कुछ ऐसी घटनाएं जिनका असर आज भी है। अच्छा कुछ ऐसे पास्ट होते हैं जिनके असर खत्म हो चुके होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पास्ट की घटनाएं जो आज भी वो मानी जाएंगी सच। कैसे मानी जाएंगी भाई, 1526 का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध आज भी याद है लोगों को, उस युद्ध के बारे में आज भी पता है 1526 में युद्ध हुआ। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ 1526 वॉर, दैट इज पानीपत, द फर्स्ट पानीपत वॉर इज स्टिल रिमेनिंग इन द सोसाइटी। 1947 इंडियन फ्रीडम जो एग्जिस्टेंस है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। क्या इंडिया की फ्रीडम हुई और खत्म हो गई? इंडिया की फ्रीडम हो चुकी है एंड इट इज कंटिन्यूड, और ये कंटिन्यूड है। इस तरह के एक्शन को आप पास्ट में ना लिख करके प्रेजेंट में लिख सकते हैं, बट डोंट वरी, आपको इसके ऊपर बहुत फोकस नहीं करना है, ये चीज आपको नहीं करना है, क्योंकि ये लिखने के लिए आप बहुत बड़े हाई लेवल पर आपको नॉलेज होनी चाहिए लैंग्वेज की, और आप न्यूज़पेपर में आप एडिटर हों या फिर आप एक अच्छे जानकार हो भाषा के, उसके लिए आपको नॉर्मल लैंग्वेज में इसको ध्यान नहीं देना है कि फैक्ट्स को और जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनको भी आप प्रेजेंट में लिख लें। दिस इज नॉट सो, आपको सिर्फ करना इतना ही है कि बेटा बस इतना है कि आप परमानेंट एक्शंस को, अपने रेगुलर एक्शंस को, अपने हैबिचुअल एक्शंस को, अपने रूटीन एक्शंस को, अपने यूनिवर्सल एक्शंस को आप उसमें प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। आज प्रेजेंट टेंस इंडिफिनिट के बारे में हमने चर्चा करी है, कल हम लोग कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों को कंबाइंड फॉर्म में लिख के हम शॉर्ट में आपको बताएंगे और बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। आई होप कि क्लास आपको समझ में आई होगी। हाँ हाँ, तो विद दिस होप आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन। इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच।